والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأوا بمن تعول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फरज़ंदे आदम यानी ऐ आदम की औलाद, अगर तू ज़ायद अज़ ज़रूरत माल अल्लाह की राह में खर्च करेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा, और अगर तू उसे रोकेगा तो तेरे लिए बुरा होगा, और बराबर सराबर माल पर तू मलामत के लायक नहीं होगा, और खर्च करने की इब्तिदा उन लोगों से कर जिनकी अखराजाती जिंदगी का जिम्मेदार तू है, जो आपकी किफालत में है, जो आपकी निगरानी में है। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया और कहा यह हदीस हसन सही है। इस हदीस में तो यह पता चलता है कि इसमें जहां अपनी और अपने अहलवयाल की जरूरत के मुताबिक माल को रखने की इजाजत बल्कि ताकीदी हुक्म है कि आप ऐसा ना करें कि पूरा माल खर्च कर दें और आपके बच्चे जो है भूखे मरें और आपके बच्चे जो है गरीबों की जिंदगी गुजारें और बिल्कुल ऐसे मुफलिस बन के रहने। अगर आपके पास माल है तो अपने माल को खर्च करें और इतना खर्च करें कि आपके बच्चे या आपके तम गहरवयाल पर वो जरूरत से ज्यादा न खर्च कर दें, यानी दूसरों पर, ताकि आपके बच्चे कहीं जो है मिस्कीन हो जाए। दूसरी बात यह कही गई है कि दूसरी जरूरत से ज्यादा जायर माल को जरूरतमंद पर खर्च करने का इस्तेमाल भी मुस्ताब है कि आप ज्यादा से ज्यादा गरीबों को खर्च करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत को जो है पूरी करने की कोशिश करें। माल के रोके रखने को इंसान के हक में बुरा करार दिया गया। बहुत सारे लोग हैं माल को बटोर बटोर के समेट समेट कर सेट सेट कर रखते हैं, बैलेंस बैलेंस बनाते हैं, खर्च नहीं करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का हाल ये है कि जो वाजिबी हक है, जो फर्ज है, वो भी नहीं अदा करते हैं। जैसे जकात है, साल में एक बार तो अदा करना ही करना, अगर आप निसाब तक पहुंच गए माल इतना हो गया, तो ऐसे भी लोग हैं कि वो भी नहीं अदा करते और वो भी खर्च नहीं करते हैं। और यहां तो ऐसे भी बुरा माल है कि जो अपने माल को आप जरूरत से ज्यादा सेंध सेंध कर रखे, और जो है तो इसी को कहा गया कि बुरा है, ये अच्छी चीज नहीं कि माल को बटोर बटोर के रखें। क्यों? उसका नतीजा क्या होता है कि उसका नतीजा दुनिया और आखिरत में दोनों जगह सही नहीं होता है। माल जरूर रखें लेकिन उसके हुकूक को अदा करें। दुनिया में दौलत के जमा करने से क्या करती है, गर्दिशे दौलत जो है वो रुक जाती है। अगर आप खर्च करेंगे, लोगों को देंगे, तो वो रूटीन चलती रहेगी, आपके पास आएगा जाएगा आएगा जाएगा। अगर आप बांध देंगे बांध को, नहर बह रही हो और आप उस पर बांध लगा दे तो क्या होगा, सैलाब आ जाएगा, आज जो है खेत खलियान खराब हो जाएंगे, डूब जाएंगे, बर्बादी आ जाएगी। इसलिए उसको बहते रहने दीजिए, जब वो चलता रहेगा तो वो आता भी रहेगा, जब रोक देंगे तो आना भी बंद हो जाएगा। इसलिए ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। जिस मुआशरे में आप देखें बहुत सारी खराबियां जो है इसी वजह से पैदा हो जाती है, जब माल को रोक दिया जाता है। जाहिर सी बात है, माल को रोकने की वजह से गुर्बत बढ़ जाती है, अफलास बढ़ जाती है, भूखों लोग मरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब एक गांव में 100 लोग रहते हो और 10 लोगों के पास माल हो, 90 लोगों के पास ना हो, और वो 10 लोग अगर अपने माल को रोक लें तो गुर्बत मजीद बढ़ जाएगी, मजीद लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो है कहा गया है कि वह लोग जो बखीली करते हैं, कंजूसी करते हैं, आखिरत में इसका बुरा अंजाम है। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, उमय्यू का शुहा नफसी फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो बखीली से अपने आप को बचा ले गया वो समझो कामयाब हो गया। तो बखीली कोई अच्छी चीज नहीं है, माल को सेंध सेंध कर रखना कोई अच्छी चीज नहीं है, उसको आप खर्च करें, अल्लाह ताला आपको उसमें मजीद अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, सयुतव्वकून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया कि इस तरह से, और बाज़ उलमा के नजदीक सालाना ज़कात की अदायगी के बाद मजीद खर्च करना जरूरी नहीं। अगर आप ज़कात अदा करते हैं तो आप नहीं खर्च करते हैं तो वो है कि आप नवाफिल पर एहतमाम नहीं करते, लेकिन नवाफिल में खर्च करना है। सही बात यह है कि ज़कात की अदायगी के बाद भी अगर आपके पास माल है
तो आप जरूर उसमें नफली सदकात खैरात करते रहे, जकात के बाद भी लोगों को देते रहे, लोगों की जरूरियात को पूरी करते रहे। और इसी तरह से बहुत सारी चीजें आप देखें कि अगर इंसान यकीनन अपने माल को खर्च करे और दे तो अल्लाह ताला उसको मजीद देता है और अल्लाह ताला उसको मजीद नवाजता है। जो लोग नहीं देते हैं उनके माल यकीनन जम जाते हैं और इसी तरह से बखील गर्दाने जाते हैं। मुआशरे में भी लोग उनको अच्छा नहीं समझते हैं, मारूफ हो जाता है बखील आदमी है, छोड़ो उसके पास कौन जाएगा, एक रुपया मांगने जाओ तो नहीं देता, एक कप चाय नहीं पिलाता, उससे क्या आप बात कर रहे हो, इतना बखील आदमी है। लोगों की नजदीक बुरा हो जाता है, जाहिरी तौर पर बड़ा मालदार है लेकिन लोगों की निगाहों से गिर जाता है वो, और अल्लाह ताला भी इस चीज को पसंद नहीं फरमाता। इसलिए अगर माल है तो खर्च करो, लोगों को लोगों की जरूरियात को पूरी करो, सदका करो, खैरात करो, जकात दो, जो जहां भी मौका मुनासिब हो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह ताला को ये चीज पसंद है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को अपने माल में से ज्यादा खर्च करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सबके खर्च के माल को जो है कबूल फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।